और अगली खबर रामगढ़ से है, जहां चोरों ने कार का शीशा तोड़कर 3 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। कोयला व्यवसायी निरंजन प्रसाद की कार को चोरों ने अपना शिकार बनाया है। एक्सिस बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर व्यवसायी ने बैग में रखे थे। आईडीबीआई बैंक की शाखा में चेक जमा करने गए थे व्यवसायी। उसी दौरान चोरों ने कार का शीशा तोड़ा और रुपयों पर हाथ साफ कर लिया। भीड़भाड़ वाले मेन रोड में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। चोरों के हौसले बुलंद, भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह गाड़ी का शीशा तोड़कर लूट को अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए उड़ा लिए हैं चोरों ने। हमारा जो है कि 2-3 दिन पहले से कोयला का पैसा जो है पेमेंट और गाड़ी का लोडिंग, हम जो है कोयला का व्यापार करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, और हमारा पैसा 2-3 दिन से ही हमारा पास पड़ा हुआ था करीबन 1.5 लाख रुपया पीछे से मेरे बैग में, और आज हमने एक्सिस बैंक से निकाला 1.5 लाख रुपया और अपने बैग में रखा और आईडीबीआई ब्रांच के सामने अपना कार पार्किंग करके हम ऊपर चढ़े चेक जमा करने के लिए। 2 चेक हमको मिला हुआ था आईडीबीआई ब्रांच का, तो वो हम जमा करने के लिए गए और गाड़ी में हमारा जो है कि दोस्त बैठा हुआ था, तो बोला कि आप जमा करके आओ हम रहते हैं। उसी दरमियान में वो कहीं उतर के चला गया और 10 मिनट के अंदर ये घटना। हमारा कार का शीशा तोड़ के कोई हमारा बैग और जितना भी कागज पत्र और चेकबुक वगैरह जितना था सब उठा के।